सर आपको मंत्रिमंडल से हटाया गया, उसके बाद लोगों में आक्रोश था कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ दें, फिर भी आपने पार्टी नहीं छोड़ी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये रोज रोज पार्टी बदली नहीं जाती, और पर्सनल मेरा स्वभाव ही रहा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है। जिस पार्टी में रहते हैं उसमें निष्ठा से इसमें काम करते हैं, और नेताजी ही लेके हमें समाजवादी पार्टी में गए थे। जी हम पार्टी का जब से आए तब से पार्टी का काम कर रहे हैं। बीच में लोकसभा के भी प्रस्ताव आए, हमारे वाइफ पे आए, हमारे आए, उनको राजस्थान से बगल वाली राजाखेड़ा सीट पे भी 2 दफ़े मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने प्रस्ताव भेजे लड़ने के लिए। हमारे लड़के के लिए जी भी टेट से प्रस्ताव आया कि उनको भाजपा की तरफ से कि उनको वहाँ से टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हम लोग ने परिवार में बैठ कर निर्णय करा कि जहाँ पार्टी में हैं वहीं रहेंगे, इधर उधर हम लोग नहीं आएंगे। और पूरी निष्ठा से जब से हम 2009 में हमने ज्वाइन की तब से लगातार निर्णय, चाहे MLC के चुनाव रहा हो, जिसमें ये राम साहेब को लड़ा गया तो जो आज वर्तमान में अध्यक्ष है, हम निष्ठा से पूरी पार्टी में काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और हमारे विचार उसी को मजबूत करने के रहते हैं। सर, इसके बाद भी आपको अचानक चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, तो आपको लगता नहीं आपका अपमान हुआ, आपकी परंपरा का अपमान देखिए, हुआ ये? हाँ, अपमानित जरूर महसूस किया, और हमारे क्षेत्र, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक जो हमारे नाम से परिचित हैं वो, या हमारे काम से परिचित हैं, जरूर उनको इससे तकलीफ पहुंची होगी। कुछ लोग पे काम कर रहे हैं, हमारे अपनी निगाह में या जनता की निगाह में मच्छित्र काम कर रहे हैं, पर इस तरह से हटाना मैं नहीं समझता उचित है। पर लेकिन ये अधिकार, विशेष अधिकार रखना ना रखना माननीय मुख्यमंत्री के और माननीय नेताजी के, उस वो है, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, निर्णय तो इन्हीं का है, हम तो पार्टी में है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।